दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक दर्जी के बारे में, एक टेलर के बारे में, जिसका लोग मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो दर्जी का लड़का है और अपने औकात से ज्यादा सपने देखता है। जिसके पास कभी खाना खाने तक के पैसे नहीं रहते थे, उसी दर्जी ने अपनी सिलाई मशीन से ऐसी चीज बनाई जिसे लोग करोड़ों में खरीदने लगे। जी हाँ, लोग उसे करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो गए उसने ऐसी चीज बनाई। क्योंकि दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता किसी खैरात में नहीं मिलती, उसे अपनी सफलता से बनानी पड़ती है। बिस्तर पर लेटकर सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए अपने भीतर आग जलानी पड़ती है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम पटियाला के अरुण बजाज के बारे में, जिनके पिता एक छोटे दर्जी थे जो कि कपड़े सीकर अपने घर का गुजारा करते थे। और इधर अरुण बजाज का लोग मजाक उड़ाया करते थे, ये तो दर्जी का लड़का है, अपनी औकात से ज्यादा सपने देखता है। क्योंकि अरुण बजाज का पढ़ने में कोई मन नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे, इन्हें पेंटिंग में बड़ा इंटरेस्ट था। और जब इनकी उम्र 12 साल की हुई तब ये अपने पिता के साथ काम करने लगे, और जब इनकी उम्र 16 साल की हुई तब इनके पिता का डेथ हो गया। अचानक ये होने के बाद इनके घर दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि इनके घर में कमाने वाला नहीं था। अरुण बजाज 16 साल के थे, उन्हें ये तक नहीं पता था कि घर में आटा नहीं है, आटा कैसे लाया जाए, क्योंकि उस टाइम पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस टाइम किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन अरुण बजाज ने मात्र 80 रुपए का रील लेकर दुकान का सेटर उठाया और काम करने लगे। अब इनके पेंटिंग के साथ साथ दर्जी का काम मजबूरी बन गया था। इनके सपने तो गाड़ी बंगलों के थे, लेकिन इधर खाने के भी लाले पड़ गए। दोस्तों लोग अक्सर कहते हैं सफलता पाने के लिए अच्छी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास अच्छे पैसे होने चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सफलता पाने के लिए अपने काम में लगन और अपने जिगर में दम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों उस बंदे ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने काम को ये सोचा कि मैं अपने काम को एक अलग मुकाम दूंगा, जो किसी ने नहीं किया, मैं इस दर्जी के काम को उस लेवल तक लेकर जाऊंगा। उन्होंने इस काम को 4 से 5 साल किया, उन्हें अपने काम से इतना ज्यादा प्यार हो गया। स्कूल का लोगो जो कि कंप्यूटर से बनाया करते हैं, उन्होंने अपने हाथ से बनाना शुरू कर दिया, अपने सिलाई मशीन से ही पेंटिंग बना दिया। उसके बाद उन्होंने गुरु नानक जी का पोर्ट्रेट बना डाला। लोगों ने ये देखा तो लोग सोचने लगे कि आखिर इस बच्चे ने सिलाई मशीन से ये काम कैसे किया। और इसके बाद श्री कृष्ण की पोर्ट्रेट बनाया अपने इस सिलाई मशीन से, और इस वजह से उनके पास 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। और इसी पेंटिंग का लोग 1 करोड़ से ज्यादा दाम देने लगे। और इतना ही नहीं, आगे चलकर इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की दरबार बनाई, इसे देख के पाकिस्तान के लोग भी इनके नाम से सलाम ठोकने लगे। फिर इसके बाद इन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनका पोर्ट्रेट बनाया, जिसे नरेंद्र मोदी ने देखा और अपने हाथों से सम्मानित किया।